14 अक्टूबर 2023 को हुआ था इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम पर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला था वो, जिसको इंडिया ने बड़ी आसानी से 7 विकेटों से जीता। और उस मैच में इंडिया की जीत के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी जिन्हें हम कठिन शब्दों में कॉन्ट्रोवर्सीज कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में हमें देखने को मिली। नंबर 1, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर वो मुकाबला हो रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा मैदान कहा जाता है इसे। और उस मैदान पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में 100 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी होने की खबर है, जिसमें ज्यादातर आईफोन थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला का 24 कैरेट गोल्ड आईफोन भी चोरी हुआ, जिसकी पुष्टि उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे की थी। प्लस उन्होंने अहमदाबाद पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई, साथ ही साथ उन्होंने अहमदाबाद पुलिस से रिक्वेस्ट भी करी कि वो उनका ये 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन ढूंढने में उनकी मदद करे। कॉन्ट्रोवर्सी नंबर 2, अब आप एक बार सोचिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है, वर्ल्ड कप का मुकाबला है, स्टेडियम कचाकच भरा हुआ है और गलती से इंडिया वहां पे हार जाता है 7 विकेटों से। और उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली बाबर आजम से टी शर्ट हंसते हंसते साइन करवाने जाते हैं। आपका क्या रिएक्शन होगा, क्रिकेटिंग लेजेंड्स का क्या रिएक्शन होगा? और ऐसा ही कुछ रिएक्शन देखने को मिला पाकिस्तान के क्रिकेटिंग लेजेंड्स और पाकिस्तान के फैंस पे, क्योंकि यही हुआ। पाकिस्तान 60 विकेटों से वो मुकाबला हारा था, उसके बाद ये बुरी हार के बाद, वन साइडेड मुकाबले में हार के बाद बाबर आजम विराट कोहली से साइन जर्सीज लेते हुए दिखे, जिसका गुस्सा फैंस ने, पाकिस्तानी फैंस ने सोशल मीडिया पे निकाला। साथ ही साथ पाकिस्तानी लेजेंड वसीम अकरम ने ये तक कह दिया कि अगर आपके चाचा के बेटे को ये जर्सी चाहिए तो आप ये ड्रेसिंग रूम में कर लीजिए ना, सबके सामने, बीच मैदान पर, सारे कैमराओं के सामने ये करने की जरूरत क्या है। इससे पाकिस्तानी फैंस का दिल जरूर दुखेगा, क्योंकि वो इस मुकाबले में बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। एक तो आप इतनी बुरी तरह से हार गए, उसके बाद आप हंसते हंसते दूसरी टीम के कप्तान और सबसे बड़े प्लेयर से जर्सी साइन करवा रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्सी नंबर 3, जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के इस टाइम पर सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम को आउट किया, बोल्ड किया इनफैक्ट। और जब बाबर आजम पवेलियन जा रहे थे तो पूरे ही स्टेडियम में, जहां पर 1,00,000 दर्शक मौजूद थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसको लेकर हमारे भारत देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने अपने बयान रखे। किसी को ये बात अच्छी लगी, किसी को ये बात गलत लगी, पर कुल मिला के ये अपने आप में एक बेहद बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी, जब 1,00,000 से ज्यादा लोग जय श्री राम के नारे लगाने लग गए, क्योंकि रिजवान जस्ट आउट होके अपने पवेलियन जा रहे थे। तो देखिए, पूरा वर्ल्ड कप भी बचा हुआ है, सिर्फ टीमों ने 3-3 मुकाबले खेले हैं। जैसे जैसे वर्ल्ड कप बढ़ता रहेगा, कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहेंगी, और क्रिकेट में ये जो थोड़ा बहुत मसाला है ना, वो हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ india.com पर।